तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने जो बाइक खड़ी ना, ये हीरो की एक्सट्रीम 164 भी, पहले 2 भी आ रही थी, अभी अपडेट करके इसको मतलब 4 भी कर दिया गया। ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सट्रीम यहाँ पे बैजिंग की गई हीरो का लोगो, E20 OBD2 कम्प्लाइंट के साथ, BS6 फेस टू मॉडल, जिसको बहुत लोग BS7 भी बोल रहे हैं, बट ऐसे इंडिया में कोई BS7 का भी कोई अपडेट अभी तक आया ही नहीं, बट बहुत लोग इसको BS7 बोल रहे हैं, बट है नहीं। फ्रंट से अगर लुक वाइज देखें ना, तो हेडलाइट सेटअप ना LED में कर दिया, जो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ए हो गया DRL लो बीम हाई बीम के साथ हेडलाइट सेटअप, ये देख सकते हैं LED फ्लेशर जिसको इंडिकेटर बोलते हैं, पहले बल्ब वगैरह होता था, ये भी अपडेट है। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था पहले, यहाँ पे USD4 कर दिया गया, अप साइड डाउन और रिफ्लेक्टर के साथ, जो काफ़ी बेहतरीन ना गोल्डन कलर का अगर कोई बाइक में सस्पेंशन हो ना, तो उसका एक अलग लुक इन्हेंस करती, जो काफ़ी बेहतरीन लग भी रही है यहाँ पे। और KYK तो पता नहीं क्या लिखा होता है, ये सस्पेंशन कंपनी का होता है। और यहाँ पे लिख रहा है आपको, देख सकते हैं डुअल चैनल ABS। अब ABS क्या होता है पता है, ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पता ही आपको, ये डुअल चैनल में फ्रंट एंड रियर दोनों का दोनों, फोर भी इंजन गार्ड पे भी लिखा हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ये देख सकते हैं फोर वेल्व। एलोय व्हील का साइज बात करें ना, तो 17 इंच का एलोय व्हील यहाँ पे आपको मिल रही है। और टायर सेक्शन का बात करें तो देख सकते हैं 180 और 17 इंच एलोय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर, जहाँ पे एलोय व्हील पे रेड कलर का स्टिकर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और राइट साइड से अगर बात करें तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं डिस्क और इसका ABS चैनल, ABS सेंसर, ये चैनल सेंसर डुअल पिस्टन कैलिपर में दिया गया ब्रेकिंग सिस्टम। अब इसका ना डुअल चैनल का सबसे बेहतरीन चीज़ होता है कि ब्रेकिंग इसका ना काफ़ी बेहतरीन होता है और अच्छी भी है। फ्रंट मडगार्ड डुअल टोन कलर में, एक मैट ब्लैक, एक ग्लोसी ब्लैक में, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे भी लग रही है। तो कहीं ना कहीं इतना सारा कुछ देखने के बाद एक लग रहा है ना कि एक्सट्रीम में अब ये कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन अपडेट हो चुका है। मिरर वगैरह भी देख सकते हैं फ्रंट में, अभी सारा कुछ मतलब कम्प्लीटली बाइक है। हेडलाइट वगैरह वन है, हजार लाइट वन है, और नंबर प्लेट का प्लेसमेंट इस जगह पे किया गया, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आ जाएगा और हीरो H का लोगो इस जगह पे। टैंक आपका मैनुअली की से इस जगह से ओपन हो जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इंजन से डिटेल्स हम आगे जानकारी देंगे, उसके पहले देखेंगे यहाँ पे लाइटिंग, ये देख सकते हैं इसका विजन, ठीक है। ये पासिंग का स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, ये हो गया लो बीम हाई बीम, इधर सिंगल हॉर्न में दिया गया है और लाउड भी है। हज़ार लाइट का बटन और ये मिल गया आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन। इंजन किल स्विच इसी में दिया गया है। किक का ऑप्शन अब इसमें देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा ना, दिया जा रहा है, क्योंकि BS6 फेस टू में अपना धीरे धीरे सारी चीज़ जो चेंज करते जा रहा है। यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिसीव, आपका सर्विस का टाइम, जो भी सारा कुछ है वो यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि अब बाइक आपका सर्विस आ गई, या तो जो भी व्हाटएवर। स्पीडोमीटर और गियर इंडिकेटर भी मिल जा रहा है, न्यूट्रल का लाइटिंग, इंजन चेक लाइट, ABS का और ये लो फ्यूल वार्निंग। तो इतना सारा कुछ जो जेन्युइन चीज़ है। किलोमीटर ओडोमीटर ट्रिप वगैरह जो है ना, यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ से अपना ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हैं। ट्रिप ये और ये होगी आपका ट्रिप बी, और ये फ़ोन कनेक्ट करने के बाद ही सारा कुछ आपको पता चल पाएगा। तो कॉल वगैरह आता है ना, तो सारा नोटिफिकेशन आपको इस जगह डिस्प्ले पे देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये आपको नेविगेट कर देगा, तो दिख जाएगा कि इस जगह से आपका जो कॉल वगैरह आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ काफ़ी बेहतरीन कर दिया गया। लेफ्ट साइड से टैंक पे देख सकते हैं लुक वाइज, और फ्यूल टैंक तो मैनुअली की से ही ओपन होगा। सीट यहाँ पे सिंगल सीट में देखने के लिए मिल रहा, और ठीक है, मतलब स्प्लिट सीट जैसा ही दिया गया बट सिंगल सीट में है। ग्रैब रेल देख सकते हैं ये जो सिंगल दिया। टेल लैंप भी देख सकते हैं और LED में, और रियर साइड जो इंडिकेटर फ्लेशर, चारों का चारों इंडिकेटर सेम यहाँ पे मिलता है आपको। नंबर प्लेट का लाइटिंग, रियर मडगार्ड, और ये हो गया गियर लीवर। तो साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच, साइड स्टैंड खोलते ही आपका जो बाइक है बंद हो जाएगा, आपका स्टार्ट होगा ही नहीं। डबल स्टैंड पे बाइक अभी लगी हुई है। चेन ड्राइव में मिल जाएगा। रियर टायर सेक्शन का बात करें तो सीएट का टायर और टायर सेक्शन यहीं पे देखेंगे अब हम कि टायर सेक्शन क्या आ जाता है। तो ये चीज़ होगी आपका सीएट जूम का टायर, 130/70 और 17 इंच एलोय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर, जो काफ़ी बेहतरीन है। और एलोय व्हील पे आपको स्टिकर भी यहाँ पे मिल रहा है। राइट साइड से आते हैं और ब्रेकिंग देखते हैं। तो सिंगल पिस्टन कैलिपर निफिन का दिया गया है, और ये ABS चैनल सेंसर, डिस्प्लेट का थिकनेस ना 4 mm का दिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और एग्जॉस्ट आप चेक कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड साइज और लाउड भी कर दिया है, मतलब स्टार्टिंग करते हैं ना तो इग्निशियल जो होता है ना, इसका मतलब ऐसा फील होता है कि नहीं, हाँ कोई बाइक पर भी आप बैठे हैं। तो ओवरऑल इतना सारा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका इंजन से डिटेल्स, का इंजन का पावर परफॉर्मेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, माइलेज, ये सारा कुछ। अब हम इंजन से बात कर लें तो सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, वो भी 160 सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 160 सीसी का ऐसे इंजन, 160 के कैटेगरी में आती है। और मैक्सिमम पावर का बात करें
तो 16.6 BHP का मैक्सिमम पावर, 15.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाता है 12 लीटर का, जो आराम से फ्यूलिंग करवा सकते हैं। काफ़ी बड़ा साइज दिया गया, 12 लीटर काफ़ी होता है आपको बताइए। और माइलेज ऐसे कंपनी ना क्लेम करती 45 का, और इजी वे में माइलेज मिल जाता है, क्योंकि हीरो का कोई भी ऐसा बाइक नहीं है जिसमें आपको माइलेज कम मिलने वाला है, चाहे वो एक्सट्रीम 125 हो, 160 हो, या तो स्प्लेंडर से लेकर ग्लैमर कोई सा भी। उसका भी रिव्यू हम अपलोड कर चुके हैं ग्लैमर LED का, तो उसका भी रिव्यू चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारा कुछ 144 kg वेट हो जाता है आपका विदाउट फ्यूल, और कहीं ना कहीं आप इसका लुक वाइज तो आपको पता है कि पहले से अपडेट किया तो और भी बेहतरीन यहाँ पे लग रही है। टॉप स्पीड इसका 115 किलोमीटर ऐसे तो देखा जाए तो कंपनी बोल रही है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत आपका राइडिंग स्किल जो है और आपका वेट, बॉडी वेट, ये सारा कुछ डिपेंड करती है, सर्विस वर्विस टाइम पर होना चाहिए तभी आपका टॉप स्पीड जो भी है वो अपना समझ सकते हैं कि क्या है और नहीं है, तो ये सब चीज़ को रिलेटेड आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसका प्राइस से रिलेटेड, तो प्राइस से रिलेटेड स्क्रीन पे शोरूम का डिटेल्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो कॉन्टैक्ट कर लें तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ से अच्छे से अपना पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या ऑफर वगैरह चल रहा है, अभी दिवाली ऑफर, धनतेरस ऑफर वगैरह चल रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही 160R 4B के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।